नमस्कार, स्वागत है आपका हरियाणा समाचार में। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, और हाँ, आप हमें किस जिले से देख रहे हैं कमेंट सेक्शन में अपना नाम जरूर लिखें। तेज हरियाणा के अलावा खेतीबाड़ी से जुड़े हर अपडेट हेतु हमारे नए चैनल तेज एग्रो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। हरियाणा में मानेसर रहा सबसे ठंडा, सुबह कोहरे के बाद अधिकतर जिलों में खिली धूप। हरियाणा में मौसम का मिला जुला असर दिख रहा है। दोपहर को अधिकतर जिलों में अच्छी धूप निकली है, वहीं रात कड़ाके की ठंड पड़ी और सुबह कहीं कहीं कोहरा छाया रहा। हवा की 5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार शीतलहर का एहसास भी करा रही है। जींद में किन्नरों से 2 बच्चों को कराया मुक्त। हरियाणा के जींद में किन्नर समाज द्वारा एक बेटी को गोद लेने के बाद किन्नर समाज पर बच्चे को बंधक बनाकर रखने के आरोप लगे हैं। इस पर हरियाणा राज्य बाल अधिकारी संरक्षण आयोग के चेयरपर्सन ज्योति बैंदा बुधवार को अपनी टीम और पुलिस बल के साथ नरवाना के डाडली खेड़ा में स्थित किन्नर रेशमा माई के डेरे पर पहुंचे। बाद में आयोग की टीम ने बच्चे को अपने संरक्षण में ले लिया। इसके असली माता पिता का पता लगाने के आदेश पुलिस को दिए हैं। सीएम मनोहर लाल का चन्नी पर कटाक्ष, बोले पीएम की सुरक्षा में चूक, पंजाब सरकार की घिनौनी हरकत। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में चूक से उनकी जान को खतरे में डाला गया, रास्ते रोकने के लिए किसान नेताओं को निर्देश दिए गए, कांग्रेस ने वहां के शासन का दुरुपयोग किया। उन्होंने कहा कि बड़ी विचित्र बात सामने आई है जिसमें SHO कह रहा है कि हमारे पास निर्देश आए हैं कि किसी को भी जाने नहीं देना, रास्ते बंद करने हैं। SHO लिखित में ऑर्डर पढ़ रहा है। CID ने भी खुलासा किया है कि मौसम खराब है तो अल्टरनेट रूट का इंतजाम करना चाहिए, सरकार ने स्पष्ट आदेश दिए कि रास्ता रोकना है। पिकअप ने मारी ऑल्टो को टक्कर, एक्स सर्विस मैन की मौत, बेटा गंभीर रूप से घायल। हरियाणा के रेवाड़ी में महेंद्रगढ़ रोड पर एक तेज रफ्तार पिकअप ने ऑल्टो कार को टक्कर मार दी। हादसे में कार सवार आर्मी से रिटायर्ड सैनिक की मौत हो गई, जबकि उनका बेटा गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना के बाद मौके पर पहुंचे पुलिस ने घायल बेटे को ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया और शव को पोस्टमार्टम के लिए नागरिक अस्पताल के शवगृह में रखवाया है। हरियाणा में टीचर्स का शीतकालीन अवकाश खत्म। हरियाणा में 12 जनवरी को सरकारी अध्यापकों के शीतकालीन अवकाश खत्म हो जाएंगे, इसलिए 13 जनवरी से अध्यापकों के लिए स्कूल खुल जाएंगे और उन्हें नियमित दिनचर्या के साथ स्कूल पहुंचना होगा। शिक्षा विभाग ने बुधवार को स्कूल प्रिंसिपल्स को आदेश जारी करके रोस्टर के अनुसार 50% अध्यापक स्कूल बुलाने को कहा है। हालांकि कोरोना और ओमिक्रॉन के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए अभी बच्चों को 26 जनवरी तक स्कूल नहीं बुलाया जाएगा। डिप्टी स्पीकर की गाड़ी पर हमला करने के मामले में सिरसा के DSP सस्पेंड। सिरसा के किसान आंदोलन के दौरान हरियाणा विधानसभा के डिप्टी स्पीकर रणवीर सिंह गंगवा की गाड़ी पर प्रदर्शनकारियों द्वारा हमला करने के एक मामले में विभागीय कार्यवाही के दौरान सिरसा के DSP संजय कुमार बिश्नोई सस्पेंड किए गए हैं। हिसार दूरदर्शन केंद्र को बंद करने की रची जा रही है साजिश। इनेलो प्रधान महासचिव एवं एलनाबाद के विधायक अभय सिंह चौटाला ने भाजपा सरकार पर हिसार के दूरदर्शन केंद्र को बंद करने की साजिश रचने के आरोप लगाते हुए कहा कि हिसार दूरदर्शन के डायरेक्टर का तबादला कर देने के बाद किसी को भी इस केंद्र का चार्ज नहीं सौंपा गया, जिससे कि भाजपा की केंद्र सरकार की मंशा में खोट नजर आ रही है। बारिश के बाद बढ़ी यूरिया की डिमांड, खाद न मिलने से खफा किसानों ने जींद सफीदो रोड पर लगाया जाम। जींद में बारिश बंद होने के बाद खेतों में बढ़ी यूरिया की डिमांड को लेकर फिर से हायतौबा मच गई है। पिल्लूखेड़ा थाने में यूरिया खाद बांटा गया तो खाद ना मिलने से खफा किसानों ने थाने के सामने जींद सफीदो मार्ग पर जाम लगा दिया। वहीं खाद को लेकर सफीदो, उचाना, नरवाना, जुलाना में भी खूब मारामारी रही। एशिया कप के लिए महिला हॉकी टीम का ऐलान, रानी रामपाल बाहर तो सविता संभालेंगी कप्तानी। मस्कट में होने वाले महिला एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट में भारत की 18 सदस्यीय महिला टीम का ऐलान हो गया है। हॉकी इंडिया ने बुधवार को जो टीम घोषित की है उसमें टोक्यो ओलंपिक में खेलने वाले 16 खिलाड़ी शामिल हैं। वहीं नियमित कप्तान रानी रामपाल चोटिल होने के कारण टीम से बाहर हो गई हैं, जबकि गोलकीपर सविता को टीम की कमान सौंपी गई है। जहां रानी रामपाल बेंगलुरु में चोट से उबर रही हैं, वहीं सविता को 21 से 28 जनवरी तक टीम की कमान संभालनी है। इसके साथ ही भारतीय टीम की उपकप्तान दीप ग्रेस एक्का को बनाया गया है। हिसार में नहरी विभाग की टीम पर हमला। हरियाणा के नारनौद में नहरी विभाग की टीम पर कुछ लोगों ने हमला कर दिया। इस हमले में विभाग के बेलदार रामेंद्र घायल हो गया। नहरी विभाग की टीम कौत कलां गाँव के एरिया में टूटे रजबाहे को ठीक करने गई थी। महम के विधायक बलराज कुंडू को हुआ कोरोना।
हरियाणा के रोहतक के महम से विधायक बलराज कुंडू कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। उन्होंने ट्वीट कर यह जानकारी दी है। उन्होंने पिछले दिनों संपर्क में आने वाले पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं को जाँच कराने के लिए कहा है। हरियाणा सरकार करेगी साकेत अस्पताल का अधिग्रहण। हरियाणा सरकार ने रोहतक पीजीआई में जीनोम सिक्वेंसिंग की एक और मशीन लगाने का फैसला किया है, ताकि कैंसर जैसी बीमारियों का पता चल सके। इससे पहले एमडीओ रोहतक में ही एक मशीन पहले ही काम कर रही है, जबकि दूसरी मशीन पंचकुला में लगाने के आदेश भी सरकार दे चुकी है। ऐसे में तीसरी मशीन पीजीआई रोहतक में लगने पर कुल 3 मशीनें हरियाणा में हो जाएंगी। रेवाड़ी में 61 कोरोना पॉजिटिव मिले, एक्टिव केस का आंकड़ा पहुंचा 293। हरियाणा के रेवाड़ी में तमाम पाबंदियों के बावजूद कोरोना के केस लगातार बढ़ रहे हैं। बुधवार को भी जिले में 61 नए पॉजिटिव मिले। राहत की बात यह है कि घरों में आइसोलेट 42 लोग संक्रमण से भी ठीक हुए हैं। जिले में एक्टिव केस का आंकड़ा 293 पर पहुंच गया है। सैंपलिंग की रफ्तार भी धीरे धीरे बढ़ाई जा रही है। हरियाणा में 88 भर्तियों में हुआ फर्जीवाड़ा। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने साल 2021 के आखिरी 3 महीनों में करीब 88 भर्तियों में धांधली पकड़ी है। उम्मीदवार कभी आर्थिक सामाजिक आधार पर मिलने वाले अंकों में धोखाधड़ी कर रहे हैं, तो कभी उम्मीदवार की जगह पर दूसरे उम्मीदवार परीक्षा देते पकड़े जा रहे हैं। गड़बड़ी मिलने के कारण ही अभी तक भर्ती प्रक्रिया सिरे नहीं चढ़ पाई है। हरियाणा में किशोरों को वैक्सीनेशन, 15 से 18 आयु वर्ग के 7 लाख बच्चे लगवा चुके हैं वैक्सीन। नेशनल हेल्थ मिशन ने हरियाणा में एक सप्ताह में 15 से 18 आयु वर्ग के 7 लाख बच्चों को कोरोना वैक्सीन की पहली डोज लगा दी है। हालांकि केंद्र सरकार के डाटा के अनुसार हरियाणा में करीब 15,40,000 बच्चे इस एज ग्रुप में हैं, और इनमें से आधे बच्चों को वैक्सीन की पहली डोज लग गई है। हरियाणा में कोरोना बुधवार को 6,883 नए मामले दर्ज। हरियाणा में कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर और मरीजों की संख्या ने सभी को चिंता में डाल रखा है। पूरे प्रदेश में बुधवार को एक बार फिर 6,883 कोविड-19 मरीजों की पुष्टि हुई है और 3 मरीजों की मौत हो गई है। ये मौत भिवानी, अंबाला और गुरुग्राम जिले में हुई है। वहीं 7 मामले नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के पाए गए हैं। राहत की बात है कि बुधवार को 2,543 लोग कोरोना को मात देकर ठीक भी हुए। निजी नौकरियों में 75% आरक्षण एक्ट पर हरियाणा सरकार को नोटिस, हाईकोर्ट की टिप्पणी। हरियाणा के निवासियों को निजी क्षेत्र की नौकरी में 75% आरक्षण प्रदान करने वाले एक्ट को चुनौती देने वाली दर्जनों याचिका पर हाईकोर्ट ने सुनवाई 1 फरवरी तक स्थगित कर दी है। इस मामले में हाईकोर्ट ने सरकार को नोटिस जारी कर पूछा है कि क्यों ना वह सरकार के इस एक्ट पर रोक लगा दे। पति ने मायके जाने से रोका तो पत्नी ने 112 पर कॉल कर बुला ली पुलिस। रेवाड़ी में बुधवार सुबह चांदपुर की ढाड़ी निवासी महिला को पति ने बच्चों के साथ मायके जाने पर रोका तो महिला ने 112 नंबर पर डायल कर पुलिस बुला ली। मॉडल टाउन में एक्साइज ऑफिस के सामने करीब आधे घंटे तक हंगामा हुआ। पुलिस मौके पर पहुंची तो पति फरार हो गया।